हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा लेक्चर्स पर, जहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के थर्ड यूनिट के टॉपिक मिक्सिंग के बारे में। और हमने ड्राइंग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो जो आपने नहीं देखी हो वीडियो तो आप जाके देख लेना जल्दी से, और हम मिक्सिंग स्टार्ट कर लेते हैं। और आई होप आप सभी घर पर सेफ होंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं मिक्सिंग के बारे में। तो मिक्सिंग क्या है कि आप देख रहे होंगे कि डेफिनेशन है इसकी, तो मतलब मिक्सिंग क्या है कि मिक्सिंग दो या दो से अधिक टाइप्स के मतलब कंपोनेंट होते हैं जिनके नेचर्स भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो उसी प्रोसेस मतलब जो उनको मिक्स करने की जो प्रोसेस होता है उसी को मिक्सिंग बोलते हैं, जैसे मिल्क में वाटर। तो और इसका एक एम होना चाहिए, मतलब मिक्सिंग का भी कोई एक एम होना चाहिए कि जो उसकी जो सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि एक कॉम्पोनेंट को तो हमने 75% मिला दिया और एक को 25%। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यदि हम दो या तीन कंपोनेंट मिला रहे हैं तो उनकी सेम क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे सपोज दैट कि हम कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हैं, तो हम जैसे कोई मेडिसिन बनाते हैं तो इसमें क्या है कि हम इंग्रेडिएंट मिलाते हैं, तो ऐसा तो होने का नहीं है कि यदि हमने चार इंग्रेडिएंट लिए तो उसमें से दो के इंग्रेडिएंट हमने ज़्यादा डाले और दो के कम। नहीं, ऐसा नहीं, जो भी उसकी जो भी प्रॉपर क्वांटिटी होती है उसके हिसाब से तो हम डालते हैं। और जैसे एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे हमारे घर पर खाना बनता है तो उसमें हम जो हमारी मदर होती हैं वो उसमें नमक ऐड करती हैं। तो नमक क्या होता है कि जब आप खाना खाने बैठते हो तो जब सब्जी में देखते होगे जो सब फर्स्ट वाला बनता है, ठीक है, तो वो भी उसको भी वही सेम नमक का टेस्ट मिल रहा है और लास्ट वाले बंदे को वही सेम टेस्ट का नमक मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें जो मिक्सिंग है वो बहुत प्रॉपर वे से हुई है। ऐसा नहीं है कि जो पहला वाला बंदा है उसको तो नमक का टेस्ट आ रहा है और जो लास्ट वाला बंदा है उसको नमक का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो वहाँ पे इनप्रॉपर वे में मिक्सिंग हो रही है, तो वहाँ पे जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर वे में नहीं हुई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके टाइप्स के बारे में। वैसे तो मैंने इसके टाइप्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो जो इसके टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है होमोजीनस और एक होता हेटरोजीनस। ठीक है, तो जो होमोजीनस क्या होता है कि मतलब ऐसे दो कंपोनेंट जो हम ऐसे तो कंपोनेंट को ऐड करते हैं जिनका नेचर नेचर क्या होता है सेम होता है, जैसे सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और गैस और गैस। देखो, गैस और गैस को सबसे इजी होता है, यदि हम होमोजीनियस में बात करें तो गैस गैस क्या है, क्योंकि गैस को और गैस को यदि आप सपोज दैट कि आप गैस और गैस को मिला रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली मिल जाता है, क्योंकि जो उसके एटम्स होते हैं वो एक दूसरे अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो बहुत जल्दी मिल जाता है, हमें उसमें कोई मतलब वर्क भी नहीं करना पड़ता। ठीक है, और लिक्विड लिक्विड या फिर सॉलिड सॉलिड की बात करें तो सॉलिड सॉलिड भी इजीली मिल जाते हैं कंपेयर दैन टू द लिक्विड। लिक्विड में क्या होता है कि सपोज दैट कि हमारे पास कोई लिक्विड है तो हमने तो उसकी दो लेयर बन जाती है, बट उसको हम कभी कभी मिलाने मिलाते भी हैं, आपने कभी ट्राई भी किया हो। और हेट्रोजीनियस में क्या है कि मतलब जो उसके नेचर सेम डिफरेंट हो, जैसे सॉलिड लिक्विड हो गया, सॉलिड गैस हो गया और लिक्विड गैस हो गया। इसका हम एग्जाम्पल बता सकते हैं जैसे वाटर और नमक का। ठीक है, लिक्विड गैस उसका, सॉरी सॉलिड और लिक्विड का। तो मैं देख लेता हूँ टाइप्स हमने क्या क्या लिखे हैं, एक पॉजिटिव नेचर, नेगेटिव ने मिक्सचर सॉरी, और एक नेचुरल मिक्सचर। तो जो पॉजिटिव नेचर मिक्सचर होता है सॉरी, तो वो क्या होता है कि मतलब इसको हम प्रिपेयर करते हैं टू मिशिबल लिक्विड से, मतलब हम दो मिशिबल लिक्विड्स लेंगे उनको मिक्स करेंगे, और जो कि जी भी काफ़ी मतलब यदि हम मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो वो काफ़ी इजीली हो जाता है। नेगेटिव मिक्सचर के बारे में बात करें तो प्रिपेयर मिक्सचर इनसोल्यूबल सॉलिड्स, और जो ये मिक्सचर प्रिपेयर होता है वो इनसोल्यूबल सॉलिड्स में होता है इन ए व्हीकल केस ऑफ सस्पेंशन और बाय मिक्सिंग टू इमिशियल लिक्विड इन ए केस ऑफ इमल्सन। ठीक है, तो नेचुरल मिक्सचर के बारे में बात करें, सम प्रोडक्ट सच एज पेस्ट ऑइनमेंट्स, ठीक है, और डू नॉट मिक्स स्पॉन्टेशनली बट आफ्टर मिक्सिंग दे डू नॉट सेपरेट आउट ईजिली। मतलब ये पहले तो मतलब ये जो हमारे नेचुरल होते हैं इसमें क्या है कि या तो ये मिक्स होते नहीं हैं, बट जब एक बार मिक्स हो गए तो उसके बाद इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव होते हैं मतलब हर किसी के, जैसे हमने ड्राइंग के भी ऑब्जेक्टिव पढ़े थे, डिस्टिलेशन के भी ऑब्जेक्टिव पढ़े थे और इवेपोरेशन के पढ़े थे, तो आइए देख लेते हैं मिक्सिंग के भी क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। और वैसे तो जैसे यदि आप इस चैप्टर को पूरा एक ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ही खुद पता लग जाएगा कि इसके एप्लीकेशन और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। और ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इसका है कि मिक्सिंग इज ए क्रिटिकल प्रोसेस, द क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या है कि है मतलब एक क्रिटिकल प्रोसीजर है, बट जो इसमें क्या होता है कि जो क्वालिटी होती है फाइनल प्रोडक्ट की वो डिपेंड करती है जो नेचर ऑफ मिक्सिंग, मतलब जैसे 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 उसका मतलब मिक्सचर मिक्सिंग होगी हमारे कंपोनेंट की, उसी बेस पे हमारा जो प्रोडक्ट होगा और उसी के बेस जो प्रोडक्ट होगा उसी के बेस पे हम पता लगेगा कि इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्टिव मतलब इसका यही हो सकता है कि हम मिक्सिंग इसलिए करते हैं कि जो हमारा
प्रोडक्ट होता है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें मिल सके। इम्प्रॉपर मिक्सिंग लीड टू नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है। इम्प्रॉपर मिक्सिंग लीड करेंगे तो वो नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट हो गया, और प्रॉपर मिक्सिंग लीड टू डिक्रीज बेस्ट साइकिल। यदि हम प्रॉपर मिक्सिंग करेंगे तो देखो टाइम घटेगा और ऑपरेशन कॉस्ट भी घटेगी, ठीक है। तो टू इंक्रीज द डिसोसिएशन और डिफ्यूजन रेट, मतलब डिसोसिएशन रेट और डिफ्यूजन रेट दोनों इंक्रीज होता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के, मतलब सिग्निफिकेंस के। यदि आपके पेपर में आता है कि सिग्निफिकेंस लेके, तो आप घबराना मत, यही होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला एप्लीकेशन क्या है इसकी। तो मिक्सिंग इज एन इंटरमीडिएट स्टेप इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट और कैप्सूल, मतलब प्रोडक्शन में यूज होता है मिक्सिंग किसके, टैबलेट और कैप्सूल के। और ये सिरप में भी हो सकता, सिरप में भी होता है, पाउडर में भी होता है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ पाउडर इज डिफरेंट प्रोपोर्शन प्रायर टू ग्रामुलेशन और टैबलेटिंग, ठीक है। ड्राई मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स फॉर डायरेक्ट कंपेरिजन इन टू टैबलेट्स, ठीक है। जो ड्राई मिक्सिंग होता है, ड्राई मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, तो वो डायरेक्ट कंपेरिजन होता है किसके, टैबलेट्स के। ड्राई मिक्सिंग ऑफ पाउडर्स एंड कॉम्पोसाइट्स पाउडर इन द कैप्सूल एंड इनसफिशिएशन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ब्लेंडिंग ऑफ पाउडर आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स सच एज फेशियल पाउडर और डेंटल पाउडर। मतलब मैंने बताया ना आपको कि हम पाउडर भी इससे बना सकते हैं, तो इसे फेशियल पाउडर, ठीक है, तो फेशियल पाउडर बना सकते हैं, डेंटल पाउडर होता है, तो उनका एक हमें एक काफ़ी अच्छा वो होना चाहिए ना यार। मतलब मिक्सिंग जब तक उनकी अच्छी नहीं होगी, जब तक हमें कैसे वो होगा, समझो ना। आगे देख लेते हैं इसके फैक्टर अफेक्टिंग के बारे में, कि फैक्टर अफेक्टिंग क्या होता है। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मिक्सिंग के बारे में बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग में हो सकते हैं कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, नेचर ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, उसका पार्टिकल साइज हो सकता है, और टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। तो और काफ़ी कुछ हो सकते हैं जो देख लेंगे। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर इफेक्टिव मिक्सिंग पार्टिकल, यदि हमें इफेक्टिव पार्टिकल मिक्सिंग चाहिए तो सरफेस शुड भी काफ़ी स्मूथ होना चाहिए, वहाँ पे हमें कोई और अदर कंपोनेंट्स नहीं चाहिए होते हैं, जो भी मतलब जो हमें यूज करने, सिर्फ वही कंपोनेंट होने चाहिए, ठीक है। और या यदि हमें वहाँ पे कोई रफली कंपोनेंट है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे आके हो जाएंगे और हमारे पाउडर जो भी हमारा मिक्सर होगा उसको बिगाड़ देंगे। पार्टिकल साइज, पार्टिकल साइज भी मतलब एक बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है इसमें, पार्टिकल सेपरेशन से। और जैसे कि इट इज़ ए ईजियर टू मिक्स पाउडर ऑफ सेम सेम पार्टिकल साइज, वेरिएशन इन पार्टिकल साइज लीड टू इम्प्रॉपर मिक्सिंग, ठीक है। तो इम्प्रॉपर मिक्सिंग के लिए साइज वेरिएशन में काफ़ी रोल लगता है, कि इंक्रीजिंग द डिफरेंस इन पार्टिकल साइज विल लीड टू सेग्रीगेशन, सिंस स्मॉल पार्टिकल्स कैन फॉल थ्रू द वॉइड्स बिटवीन द लार्जर पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल शेप, मतलब जो पार्टिकल शेप भी होगी, तो उसके बेस पर भी, सपोज दैट कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा पार्टिकल है, ठीक है, और एक बहुत छोटे हैं, तो क्या होगा कि जो हमारे छोटे होंगे वो तो बहुत टाइम बाद मिक्स होना स्टार्ट होंगे ना, तो इसलिए हमें छोटे मतलब पार्टिकल साइज़ को भी हमें देखना पड़ेगा कि किस साइज शेप के हैं। विस्कोसिटी, यदि विस्कोसिटी की बात करें तो द मिक्सिंग ऑफ आल्सो अफेक्टेड बाय द विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी हो मतलब अफेक्ट करता है मिक्सिंग को, मोर विस्कस पार्टिकल कॉज पुअर मिक्सिंग। टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं, तो टेम्परेचर आल्सो अफेक्टेड द मिक्सिंग बिकॉज द विस्कोसिटी चेंजेस विद द चेंजेस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर आल्सो अफेक्टेड द मिक्सिंग को बिकॉज, सपोज दैट कि हमारा जब हम कोई मिक्सिंग कर रहे हैं और वहाँ पर हमने ज़्यादा टेम्परेचर दिया, तो हमारा जो मिक्सिंग होगा वो ख़राब होने का भी चांस रहता है। मतलब विस्कोसिटी जो चेंज करेंगे तो चेंज होता है टेम्परेचर, ठीक है। मिक्सिंग टाइम, मतलब एक मिक्सिंग टाइम भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हाँ यार किसी हमारे हमको किसी प्रोडक्ट को मिक्सिंग कर रहा है और वहाँ पे तो हमें चाहिए, हमें जो मतलब वो पाउडर 5 मिनट की रिक्वायरमेंट कर रहा है और हम इसे कर रहे हैं 10 मिनट, तो हमारा जो पाउडर होगा वो ज़्यादा बेकार हो जाएगा। मिक्सर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग आल्सो अफेक्ट द मिक्सिंग फिनोमिना, द ब्लेंडर वॉल्यूम शुड बी सच दैट ओवर फिलिंग शुड नॉट बी डन एज इट डिक्रीज द मिक्सिंग एफिशिएंसी। प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स, इट इज टू मिक्स पाउडर इफ अवेलेबल इन इक्वल क्वांटिटी। प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स के मतलब सेम क्वांटिटी में होना चाहिए, तो ये अवेलेबल तो काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाते हैं, बट टू मिक्स स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ पाउडर विद लार्जर क्वांटिटीज ऑफ इन्ग्रीडियंट इज डिफर प्रोसेस, ठीक है। तो डिफरेंट प्रोसेस में भी हो सकते हैं, मतलब लार्जर क्वांटिटी होगी तो जो इन्ग्रीडियंट होंगे वो डिफरेंट प्रोसेस में हमें करना पड़ेगा। और यदि हम इसके मैकेनिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके जो मैकेनिज्म होता है वो तीन चीज़ पे डिपेंड करता है, मतलब शीयर पे और डिफ्यूसिव पे, ठीक है। आप प्लीज़ आप अपने नोट्स बना लेना, और कनेक्टिव पे, ठीक है।
तो हमारे पास क्या मैकेनिज्म तीन चीज़ पे डिपेंड करता है, शेयर पे, डिफ्यूसिव मिक्सिंग पे और कनेक्टिव मिक्सिंग पे। ठीक है, तो जो हमारा शेयर मिक्सिंग होता है, मतलब शेयर मिक्सिंग, ठीक है, जो शेयर मिक्सिंग मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है कि इन शेयर मिक्सिंग शेयर स्ट्रेसिस गिव राइज टू स्लिप जोन्स एंड मिक्सिंग टेक्स प्लेस बाय इंटरचेंजिंग ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन लेयर्स विद इन द जोन। मतलब इसमें क्या होता है कि इंटरचेंज होता है पार्टिकल्स का, एक लेयर्स होती है उसमें उनके एक मतलब वो प्लेस होता है मिक्सिंग के टाइम पे, और वो चेंज होते रहते हैं लेयर्स के बीच में, मतलब वो जोन होता है एक बना हुआ और वो चेंज होते रहते हैं। डिफ्यूसिव में बारे में बात करें हम, तो डिफ्यूसिव मिक्सिंग अकर्स व्हेन पार्टिकल रोल डाउन ए स्लोपिंग सरफेस। जो डिफ्यूसिव मिक्सिंग होते हैं वो क्या करते हैं, जब पार्टिकल साइल जब पार्टिकल्स क्या होंगे, रोल डाउन होंगे, है ना, कहाँ पे, एक स्लोपिंग सरफेस पे। और फिर बात करते हैं हम कन्वेक्टिव के बारे में, कन्वेक्टिव, ठीक है, तो कन्वेक्टिव के बारे में, कन्वेक्टिव मिक्सिंग इज द डेलीबरेट बल्क मूवमेंट ऑफ पैकेट्स ऑफ पाउडर अराउंड द पाउडर मास। ठीक है गाइस, तो एक चीज़ सुना कि मैं मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप यदि आपको ये मैकेनिज्म समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, हम आपको एक इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे मैकेनिज्म की, जिसमें आपको बिल्कुल फुल डिटेल में हम समझाएंगे, ठीक है, विद एग्जांपल और सब कुछ। तो मतलब वीडियो ज़्यादा लंबी जाएगी इसलिए हम कुछ इसमें ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। और डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग, तो हम लिक्विड मतलब इसके मिक्सिंग के डिफरेंस देख लेते हैं। तो सॉलिड मिक्सिंग क्या होता है, दिस इज़ यूज फॉर द मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स। सॉलिड का मतलब ड्राई पाउडर्स के लिए यूज़ करते हैं, और लिक्विड मिक्सिंग का सस्पेंशन और इमल्सन के लिए। सॉलिड का लार्जेस्ट सैम्पल साइज इज रिक्वायर्ड, ठीक है, और इसमें क्या स्मॉल पार्ट सैम्पल साइज इन सफिशियंट काफ़ी होते हैं। हाइट पाउडर रिक्वायरमेंट फॉर मिक्सिंग लेस पावर, मतलब इसमें ज़्यादा रिक्वायर्ड मतलब पावर की एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसमें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। इन दिस टू और मोर सब्सटेंसेस आर इंटर मिंगलेड बाय द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस इज अचीव्ड बाय मिक्सिंग एलिमेंट्स ऑफ सुसेटेबल शेप टू एक्ट एज इम्पेलर टू प्रोड्यूस अप्रोप्रिएट फ्लो पैटर्न इन द मिक्सिंग वेसल। तो आप जो 4 पॉइंट लिख देना आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। आप बात कर लेते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में कि इक्विपमेंट्स मतलब मिक्सिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, ठीक है, और इसे कैसे कैसे वर्क करते हैं, इनकी क्या वर्किंग होती है, क्या कंस्ट्रक्शन होता है, क्या प्रिंसिपल होता है, क्या यूजेस होते हैं, क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो हम इनको सभी को एक फुल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो गाइस थोड़ी लंबी होगी तो आप लास्ट तक देख लेना प्लीज़। और हम आपको सभी हमारे सोशल मीडिया के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लीज़ जाके हम फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालते हैं, ठीक है। देखो डबल कोन ब्लेंडर, तो ठीक है, तो डबल कोन ब्लेंडर और एक हमारा है ट्विन सेल ब्लेंडर, ठीक है, तो इन दोनों की जो वर्किंग है वो सेम होगी, कंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज होगा और प्रिंसिपल भी सेम होगा। तो आपको बस इतना करना है कि डबल कोन ब्लेंडर और ट्विन सेल ब्लेंडर, जो इसको हम वी सेल ब्लेंडर मिक्सिंग बोलते हैं, आपको उन दोनों को एक साथ ही याद कर लोगे तो काफ़ी प्रॉफिट मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल भी सेम है, वर्किंग भी सेम है, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देख ही लेंगे। तो पहले हम प्रिंसिपल देख लें, तो इसका प्रिंसिपल जो डिपेंड करता है वो था टम्बलिंग पे, ठीक है, टम्बलिंग मोशन पे, ऐसे ही उसका वर्क करता है। तो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट इंक्लूडिंग मिक्सिंग टैंक एंड ब्लेड्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का बना था टैंक भी और ब्लेड्स भी। द इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्स जॉइंड एज ए सिलेंड्रिकल सेक्शन विच आर रोटेड अबाउट एन एक्सिस ऑन द शाफ्ट। डार्क कॉनिकल शेप एट बोथ एंड्स अलाउ यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड इजी डिस्चार्ज। देखो क्या होता है, ये कोई एक डायग्राम होता है इसमें कि शाफ्ट लगी होती है, तो इस शाफ्ट में कुछ इसका एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है यदि आप कभी देखो तो, ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये इस टाइप से मूव ऑन करता है ऐसे और फिर ऐसे, तो थोड़ा आगे पीछे हिलता रहता है। तो जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं ऊपर गए, ऊपर वाले नीचे आए, मतलब सपोज दैट यहाँ पे और सपोज दैट यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स थे, ठीक है, कुछ यहाँ पे थे, तो ये वाले पार्टिकल्स ऊपर गए, ये वाले पार्टिकल्स नीचे आए, तो क्या होगा, वो दोनों एक प्रॉपर वे में मिक्सिंग हो रहे हैं, ठीक है। जब ये मिक्सिंग हो रहे हैं तो शाफ्ट चलती रहती है, मोटर भी घूम रही है, तो वे आगे पीछे होकर घूमते रहते हैं और फिर हम अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। तो इनकी वर्किंग तो होगी ऐसी। और इनके यदि रोटेशन की शुरुआत करें तो हम 30 से 100 RPM हो सकती हैं, ठीक है, और इसमें वही 5 किलो से 200 किलोग्राम तक का हम अपना मटेरियल्स ले सकते हैं।
और ये डिग्री जो मतलब एक किसके लिए मतलब 0 से 360 डिग्री पर ये रोटेट हो सकता है, जैसा आपने देखा हो ना, जैसे वो सीमेंट मिलाने वाली मशीन आती है जब लेंटर वगैरह डालता है छतों पे, तो वहाँ पे भी कुछ इस टाइप की एक मशीन होती है, तो वो एक टाइप से मिक्सिंग होती है वहाँ पे, प्रॉपर मिक्सिंग होती है, ठीक है। हाँ तो इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इजी टू मेंटेन, क्लीन एंड वियर ऑन द इक्विपमेंट इजली टिल लार्ज अमाउंट कैन इजली हैंडल्ड। डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर फाइन पार्टिकल्स, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए सुटेबल नहीं है, और नॉट सुटेबल फॉर द पार्टिकल्स विद ग्रेटर पार्टिकल साइज डिफर ड्यू टू द लेस शेयर। एप्लीकेशंस क्या हो सकती हैं इसका, फार्मास्यूटिकल में क्या यूज है, फूड केमिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए, और एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल इक्विपमेंट फॉर द होमोजेनियस मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स एंड ग्रैनुलर्स, ड्राई पाउडर मिक्सिंग फॉर टैबलेट एंड कैप्सूल फॉर्मोल, है ना, फॉर्मुलेशन के लिए, कैप्सूल और टैबलेट्स के लिए, ठीक है। तो विक्वेन सेल ब्लेंडर, और इसको विक्वेन सेल ब्लेंडर बोलते हैं, जो कि दोनों मतलब एक नाम चेंज है, पेपर में किसी भी नाम से पूछ सकता है, विक्वेन ब्लेंडर से या फिर ट्विन सेल ब्लेंडर से, और आप देखना कि जो प्रिंसिपल है वो दोनों का सेम है। वहाँ पे भी हमने ट्विबलिंग्स करा था, गाइस थोड़ा डायग्राम थोड़ा गलत हो गया था, तो आप प्लीज़ जाके इसे देख लेना वहाँ पे मतलब गूगल पे, या फिर मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, जहाँ पे भी आप बोलोगे मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूँगा। और कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन क्या, वही स्टेनलेस स्टील का बना होगा, कि एक वी शेप इसकी शेप होगी और फोर गन पार्ट, ठीक है। तो और आगे देख लेते हैं, तो हॉरिजेंटल शाफ्ट होती है, रोटेटेड अबाउट एक्सिस है, कॉजिंग द पार्टिकल विद इन द मिक्सर टू टम्बल, ठीक है, तो ईच अदर टू द मिक्सर सरफेस, द की चार्जिंग ऑफ द मेटेरियल बी ब्लेडेड थ्रू द आइदर ऑफ द टू एंड्स, ठीक है, इसके टू एंड्स होते हैं, मैचेस फ्रॉम द 20 किलोग्राम टू 1 टन कैन बी लोडेड, मतलब 20 किलोग्राम से 1 टन तक हम से लोड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ इक्विपमेंट। वर्किंग के बारे में बात करें तो वर्किंग बिल्कुल सेम है, तो आपने गाइस यदि आपने पहले वाला ध्यान से सुना होगा या फिर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप पक्का करके इसका लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारा 50 से 60% तक वॉल्यूम वेवलेंथ हम ले सकते हैं और रोटेशन करा सकते हैं, तो आप प्लीज़ देख लेना, काफ़ी अच्छे हैं मेरे दोनों, काफ़ी अच्छे हैं। और इसकी स्पीड देख लेना, 50 से 80% पर क्रिटिकल स्पीड होती है, ऑपरेट कर सकते हैं। एडवांटेज था कि लोडिंग और अनलोडिंग मेटल से इजी होता है, इजी टू क्लीन होता है, और एब्सेंस ऑफ साफ प्रोजेक्शन रिड्यूस चेंजेस ऑफ प्रोडक्ट कंटामिनेशन, वी ब्लेंड आर देयर फॉर प्रीफर्ड व्हेन प्रिसाइज ब्लेंड फॉर्मुलेशन आर रिक्वायर्ड, पार्टिकल साइज डिटेक्शन एंड अट्रैक्शन आर मिनिमाइज ड्यू टू द लैक ऑफ मूविंग ब्लेड्स, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड फॉर द फ्रेगाइल मेटल्स। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो दे रिक्वायर हाई हेडरूम फॉर इंस्टॉलेशन, मतलब एक यदि मतलब डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो क्या होता है कि रिक्वायर हाई हेडरूम फॉर इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशंस, मतलब एक काफ़ी जगह चाहिए कुल मिला के, ये बात है। दे आर नॉट सुटेबल फॉर ब्लेंडिंग पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज एंड डेंसिटीज, दे आर चांसेस ऑफ साइग्रेशन ऑफ दीज पार्टिकल एट द सेम ऑफ डिस्चार्ज। यूजेस के बारे में बात करें, मतलब एप्लीकेशन, इट इज यूज फॉर द ड्राइंग मिक्सिंग, इट प्रोवाइड एफिशियंट ब्लेंडिंग इन द शॉर्ट टाइम, इट इज जनरली यूज फॉर द फूड प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट, पाउडर, मतलब वही यार सेम होना चाहिए, मतलब यूजेस तो इन दोनों के बिल्कुल सेम ही है, कि वहाँ पे हम पाउडर बना रहे थे, मिल्क पाउडर बना रहे थे, ठीक है, तो एनिमल फीड वगैरह या स्पाइस ब्लेंड, बेबी फूड वगैरह, कॉस्मेटिक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रिबन ब्लेंडर के बारे में। हाँ तो रिबन ब्लेंडर का यदि हम देखें तो इसका जो प्रिंसिपल होता है वो शेयर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो द मैकेनिज्म ऑफ मिक्सिंग इज शेयर विच इज ट्रांसफर्ड बाय द मूविंग ब्लेड्स। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या होता है। देखो इसका एक डिब्बा सा होता है ये, ठीक है, तो जब एक डिब्बा सा हो गया, इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक ड्राइव शाफ्ट लगी होती है ये वाली, और जब ड्राइव लगी हुई है यहाँ पे, देखो शाफ्ट है पूरी ये, यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे देखो ये कुछ वो शाफ्ट लगी होती है, शाफ्ट पे शाफ्ट जुड़ी होती है, मतलब और रिबन लगे होते हैं, तो देखो यहाँ से ऐसे जुड़े होते हैं एक दूसरे से ऐसे, ठीक है। तो सपोज दैट जैसे हमारा मेटेरियल था, इसमें यहाँ पे था कुछ, यहाँ पे था कुछ, यहाँ पे था कुछ, यहाँ पे था, यहाँ पे ए पार्टिकल्स था, यहाँ पे बी पार्टिकल्स है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करता है कुछ इस टाइप से, जब ये रोटेट करेगा ऐसे, मतलब घूमेगा, तो क्या होगा, तो जो यहाँ ए वाला पार्टिकल से ऊपर जाएगा बी पे, बी वाला ए पे आएगा, तो क्या होगा कि जो रिबन्स की हेल्प से ये ऊपर नीचे होंगे, तो जो हमारा मिक्स पाउडर होगा वो धीरे धीरे को धीरे धीरे मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा, ये तो उसका क्या होगा वर्किंग, ठीक है।
और पहले से हम कंस्ट्रक्ट चलो चलो कंस्ट्रक्शन भी देख ही लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या है कि यार सिंपल सी बात, एक तो हॉरिजेंटल शेप का स्टेनलेस स्टील का या फिर आयरन का बना होता होगा, और हेलिकल रिबन आर वेल्डेड सिंस द रिबन स्टे कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल हेलिकल रिबन्स, इट इज द आल्सो कॉल्ड ए डबल हेलिकल रिबन। याद रखना डबल हेलिकल रिबन भी बोलते हैं किसको, जो कि इंटरनल एक्सटर्नल हेलिकल रिबन्स होती हैं, वो क्या होती हैं डबल हेलिकल रिबन्स के एजिटेटर्स के नाम से बोल सकते हैं। द रिबन ब्लेंडर आर पावर्ड बाय ए ड्राइव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मोटर गेयरबॉक्स एंड कपलिंग, कपलिंग भी होती है और गेयरबॉक्स भी होता है, एक मोटर होती है। द स्पेसिफिक पावर रेंज ऑफ मतलब जी मोटर की पावर की रेंज होती है वो 3 से 12 किलोवाट की होती है। फॉर लुकिंग द प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट के बेस पे देखा जाता है कि हम प्रोडक्ट कैसे ले रहे हैं, कॉलेज बेस पे है तो वो हमारी 3 वाट की होगी, और यदि हम इंडस्ट्रियल बेस पे ले रहे हैं तो वो 12 किलोग्राम के बेस पे होगी। ठीक है गाइज, तो आगे देख लेते हैं। तो इसमें हमने इसका बात कर लिया, वर्किंग भी देख ही ली कैसे कैसे हो सकती है कि मतलब ब्लेंडर एलोकेटेड इन द ब्लेंडर टाइपिकली फिलिंग इट बिटवीन द 40-70% इसमें वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं कंटेनर्स में, और रिबन्स आर अलाउड टू रोटेट, और जो रिबन्स होती हैं वो रोटेट हो जाते रोटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब रोटेट होना स्टार्ट हो रही हैं तो वहाँ पे हमारा स्लोली स्लोली मूव होना स्टार्ट करते हैं एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, मतलब रैपिडली फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी फिर अपनी डायरेक्शन में आएंगी, तो वहाँ पे 15 से 20 मिनट में बहुत आराम से मिक्स हो जाता है, और डिस्चार्ज होने में भी जल्दी मतलब हम डिस्चार्ज भी कर लेते हैं नीचे की साइड से। और पार्टिकल साइज एंड पल्स डेंसिटी हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द मिक्सिंग एफिशिएंसी ऑफ द रिबन मिक्सर, इंग्रेडिएंट्स हैविंग ए सिमिलर पार्टिकल साइज एंड बल्क डेंसिटीज आर टेंड टू द मिक्सर फास्टर देन द इंग्रेडिएंट विद ए वेरिएशन ऑफ दिज एट्रीब्यूट्स। एडवांटेज क्या हो सकते हैं कि एक तो ऑपरेट कर मतलब ऑपरेट करने में काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टाइम तक हम लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं, और फिर हायर शेयर टू द बैफल्स कॉज ब्रेक डाउन ऑफ एग्रीगेट्स, लेस हेड स्केप रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और डिसएडवांटेज क्या होता है कि इसमें हम 100% डिस्चार्ज इन द रिबन ब्लेंड, मतलब हम 100% जो हमारा मेटेरियल है उसको हम नहीं ले सकते। द मोमेंट ऑफ रिबन नियर द वेसल फॉल ड्यू टू द हायर शेयर एंड और कंपेरिजन कैन डैमेज फ्रैगल मेटल्स एंड कॉज एट्रिशन। यूज इसके बारे में बात करें तो इट इज यूज फॉर द ब्लेंडिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ ड्राई सॉलिड्स, वेट सॉलिड्स, मास बल्क और ड्रग केमिकल एंड द कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट। अब बात कर लेते हैं हम सिग्मा ब्लेंडर के बारे में। सिग्मा ब्लेड मिक्सर के बारे में बात करते हैं तो मैकेनिज्म मतलब जो इसका मैकेनिज्म किस किस पे बेस्ड करता है, तो एक तो शेयरिंग पे बेस्ड करता है और एक मैशिंग पे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि इसमें इट बिलोंग टू द फैमिली टू द डबल आर्म ग्राइंडर मिक्सर। कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते तो इट कंसिस्ट ऑफ द टू ब्लेड्स, जिसमें टू ब्लेड्स होते हैं शेप रिसेंबल ऑफ ग्रीक लेटर सिग्मा, तो जो उनकी शेप होती है वो सिग्मा जैसे जो ग्रीक लेटर होता है सिग्मा उसके जैसी होती है। आर फिटेड हॉरिजॉन्टली इन ईच थ्रो ऑफ बाउल। ठीक है, तो ये बाउल में फिट होते हैं और द क्लियरेंस बिटवीन द प्लेट द वेसल वॉल इज टू मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 mm के होते हैं और द लो क्लियरेंस प्रोड्यूस हाई शेयर। तो इसका कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। वर्किंग देख लेते हैं, तो वर्किंग द पाउडर आई इंट्रोड्यूस फ्रॉम द टॉप ऑफ द थ्रो, तो मतलब जो ऊपर से एक मतलब जो हमारा पाउडर होता है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाता है एंड द प्रोसेस कराया ओनली द क्लोज एंड क्लोजर बिकॉज द डस्ट कैन बी रिलीज द ब्लेड्स मूव ए डिफरेंट स्पीड, मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पर मूव करते हैं एंड द सिस्टम द इंक्लूड द मोटर गियर रिड्यूसर कपलिंग गियर्स बियरिंग एंड सील्स द मेटेरियल मूव अप अब वो ऊपर नीचे जो मेटेरियल्स होगा ऊपर नीचे डाउन होता रहेगा एंड सीयर अकर्स बिटवीन द ब्लेड्स एंड द वॉल ऑफ द थ्रो, है ना। तो वो ब्लेड्स जो होते हैं वॉल से भी अपने जो मेटल्स होते हैं उसे भी लेके आते हैं। ये कुछ ऐसे मैकेनिज्म पर वर्क करता है जैसे आपके घर में मिक्सर होती है ना, मिक्सर जिसमें आपकी हमारी जो मोम्स होती हैं वो उसको वो जैसे टमाटर वगैरह पीसती हैं उसके लिए वो मिक्सर कुछ इस टाइप पे वर्क मैकेनिज्म पर वर्क करता है। द इक्विपमेंट इज ऑल्सो टेस्ट टू द परफोर ब्लेड्स टू ब्रेक लम्स एंड एग्रीगेट्स, द डिस्चार्ज ऑफ द मेटल इज आइदर बाई टिल्टिंग द मिक्सिंग वेसल थ्रो बॉटम डिस्चार्ज वाल और थ्रो ए डिस्चार्ज स्क्रू। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर इज ऑब्टेन इन टू 10 to 30 मिनट, 30 मतलब ये होमोजेनियस जो हमारे प्रोडक्ट होता है वो 10 to 30 मिनट्स में मिक्स हो जाता है, मिक्सिंग होमोजेनियस 99% के समथिंग में। एडवांटेज की बात करें तो ड्यूरिंग मिक्सिंग मिनिमम डेड स्पेस इज क्रिएटेड, लम्स एंड एग्रीगेट्स ब्रोकन भी फोर्टेड ब्लेड्स मतलब अच्छे से तोड़ लेता है लम्स और एग्रीगेट्स को, और लॉस ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट ड्यूरिंग मिक्सिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय क्लोजिंग द चैम्बर। ठीक है, डिसएडवांटेज के बाद बात करते हैं तो क्या होता है, बहुत ब्लेड्स रोटेट एट द सेमी स्पीड, जो ब्लेड होते हैं वो मतलब सेमी स्पीड पे रोटेट करता है, द पावर कंजप्शन इन डबल आर्म ग्राइंडर
नीड मिक्सर इज वेरी हाई कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ मिक्सर एंड कैन रेंज फ्रॉम द 40 to 45 to 75 kW ऑफ मिक्स मेटेरियल्स. यूजेस की बात करें तो प्राइमरी यूज ऑफ द सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग एंड आल्सो फॉर द सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग के लिए और सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है. द सिग्मा ब्लेड मिक्सर इज ए कॉमनली यूज मिक्सर फॉर हाई विस्कोसिटी मेटेरियल. हाई विस्कोसिटी मेटेरियल जो हाई विस्कस मेटेरियल्स होते हैं उनके लिए इसका यूज करते हैं. अब बात करते हैं प्लानेटरी मिक्सर्स के बारे में. तो प्लानेटरी मिक्सर के बारे में देख लेते हैं कि पहले ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है. ठीक है, तो ये अपने एक्सिस पे घूमता रहता है. तो एक तो ये हो गया मतलब शेयर पे ही, ये भी एक टाइप से शेयर भी मतलब जो एक शेयर होता है ना उसी के मैकेनिज्म पे ये वर्क करता है. तो दही मैकर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लानेटरी ब्लेड्स आर देयर अराउंड एक्सिस वाइल दे ट्रैवल अराउंड द सेंटर ऑफ द मिक्सिंग बाउल विच एंज्यूम कम्प्लीट एन इफेक्ट. मतलब रोटेशन पे और जो शेयर पे, इस पे ये मैकेनिज्म वर्क करता है. इसका कुछ डायग्राम है और उसके बाद हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेंगे. कंस्ट्रक्शन के मतलब कैसे कैसे बना होता है. तो इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल सिलेंड्रिकल सेल और बाउल. तो एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है, फिर बाउल जैसा होता है. तो डेट कैन बी रिमूव है ना. द सेल और बाउल इज कन्वर्ट एंड मे बी प्रोवाइडेड विद नोजल्स ए लिक्विड. ठीक है, स्प्रे एलिमेंट वर द व्यूरिंग पार्ट्स. द मेटेरियल्स कैन बी लोडेड इन टू द मिक्सर. जो मेटेरियल कैन बी लोडेड कर सकते हैं मिक्सर एज वे थ्रो द नोजल्स ऑन द टॉप ऑफ कवर. ऊपर से हम मेटेरियल्स को लोड कर सकते हैं और डायरेक्टली लोडेड इन टू द मिक्सर बाउल. द मिक्सर हैज टू ब्लेड. जो मिक्सर में दो ब्लेड्स होते हैं और जो रोटेट करते रहते हैं और अपने मतलब जो उनका एक्सिस होता है वहाँ पर वो रोटेट करते रहते हैं. और क्या करते हैं कि एक उसमें ऑर्बिट द मिक्सिंग कंटेनर ए कॉमन एक्सिस. द मिक्सिंग ब्लेड इज माउंटेड एट द टॉप ऑफ ए मोटर एंड द गेयरबॉक्स दैट ड्राइव द प्लानेटरी हेड. ठीक है, ईच प्लानेटरी ब्लेड इज जनरली ड्राइविंग बाय द गियर्स दैट रोटेट ड्यू टू द मोमेंट ऑफ द प्लानेटरी हेड. मतलब देखो जैसे जैसे ये टर्न होगा ना, जैसे जैसे घूमेगा ऐसे इसके यहाँ पे जो ब्लेड्स होते हैं ना ये वाले, ऐसे ये ब्लेड्स टर्न होते रहते हैं. मतलब इन दोनों के एक दूसरे से कनेक्ट होता है. वर्किंग देखें तो मेटेरियल मैक्सिमली लोडेड इज द मेटेरियल टू बी मिक्स इज लोडेड इन टू मिक्स बाउल और सेल. ठीक है, तो द ब्लेड्स आर रोटेड ऑन देयर ऑन एक्सिस. जो ब्लेड होते हैं अपने एक्सिस पे घूमते रहते हैं. दे आर ऑर्बिट द मिक्सिंग बाउल और कॉमन एक्सिस. देयर इज नो डेड स्पॉट इन द मिक्सिंग. मतलब कोई स्पॉट डेड स्पॉट नहीं मिलता इसमें जब इस मिक्सिंग होती है. एंड हाई शेयर इज अप्लाइड फॉर द मिक्सिंग. और हाई शेयर में अप्लाइड कर सकते हैं मिक्सिंग के लिए. और आफ्टर मिक्सिंग दिस आपने दिस मेटेरियल डिस्चार्ज थ्रो ए बॉटम वाल. और डिस्चार्ज कर लें थ्रो ए बॉटम वाल से और बाय मैनुअल स्कोपिंग ऑफ द मेटेरियल फ्रॉम द बाउल. एडवांटेज के बारे में बात करें तो सिंपल कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन एंड रिलेटिवली लोअर कॉस्ट कर सकता है. और नो डेड स्पॉट इन द मिक्सिंग होता है. रोटेशन स्पीड ऑफ ब्लेड्स कैन बी वेयर्ड होती है. और हाई मिक्सिंग एफिशिएंसी. डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो रिक्वायर हाई पावर और हीट बिल्डअप विद इन पावर मिक्स. प्रोपेलर्स यार एक टाइप से पंख है. ठीक है, या एक टाइप से ब्लेड कह सकते हैं. तो प्रोपेलर्स के बारे में बात करते हैं तो प्रोपेलर्स आर द मैकेनिकल डिवाइस दैट आर यूज टू द मिक्स. इतने मोस्ट भी नहीं है बट पढ़ लेते हैं. तो मिक्स द लिक्विड मेटेरियल इज यूजिंग ब्लेड. ये थ्री ब्लेड्स डिजाइन टू जनरली यूज फॉर द लिक्विड. मतलब ये प्रोपेलर्स कह के हम डिजाइन के लिए बारे में बात कर सकते हैं कि कितने डिजाइन के टाइप से ब्लेड हो सकते हैं जो लिक्विड में यूज किया जाता है. प्रिंसिपल शेयरिंग ऑफ फोर्सेस पे करते हैं. तो कंस्ट्रक्शन बारे बात करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ वेसल एंड प्रोपेलर्स. जो कंसिस्ट होते हैं वेसल्स और प्रोपेलर्स से. ए प्रोपेलर्स हैज एंजल्ड ब्लेड्स विद कॉज द फ्लो टू सर्कुलेट इन बोथ एन एक्सियल एंड ए रेडियल डायरेक्शन. साइज और प्रोपेलर्स इन स्मॉल मतलब साइज में काफ़ी छोटे होते हैं. मे इंक्रीज अप टू और इनको हम बढ़ा सकते हैं 0.5 meter डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ टैंक. ठीक है, स्मॉल साइज प्रोपेलर्स कैन रोटेट अप टू 8000 RPM. ठीक है, तो ये एक्चुअल फ्लो रेडियल फ्लो है. फ्लो पैटर्न वर्किंग देखें तो ए वर्टेक्स फॉर्म व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंपॉर्टेंट द लिक्विड और बाय द प्रोपेलर्स ब्लेड्स कॉज इज टू बी बैक अप अराउंड द साइड ऑफ वेसल एंड द क्रिएट ए डिप्रेशन एट द शाफ्ट. एट द स्पीड ऑफ रोटेशन इज इंक्रीज एयर मे बी सक्ड इन टू द फ्लूड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्टेक्स. दिस कॉज फ्रोथिंग द प्रिस्क्राइब ऑफ सॉरी पॉसिबल ऑक्सीडेशन. एंड द मेथड ऑफ सप्रेशन इज वर्टेक्स इज ए फिट वर्टिकल पेटल्स इन टू द वेसल. इसका कुछ आप देख सकते हैं डायग्राम में. जो ए आई वो क्या है कि बोट मतलब
बैफल्ड टैंक विद नो वर्टेक्स फॉर्मेशन और अनबैफल्ड टैंक हैविंग वर्टेक्स बी जो है बी। ठीक है, ये आप देख लेना। इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो एडवांटेज क्या, इफेक्टिव है, हाई मिक्सिंग कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है, और डिसएडवांटेज कॉस्ट हाई होती है, काफ़ी महंगा होता है, इफेक्टिव है तो लिक्विड हैविंग विस्कोसिटी और जो इसके लिक्विड हैविंग विस्कोसिटी ग्रेटर दैन द 5 पास्कल सेकेंड। यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूजेस का तो मिक्सिंग का टर्म लिक्विड हैविंग मैक्सिमम विस्कोसिटी 2.0 फॉर मिक्सिंग ऑफ लो विस्कोसिटी इमल्सन एंड आल्सो यूजिंग मिक्सिंग ऑफ सस्पेंशन विद पार्टिकल साइज अप टू 0.1 to 0.5 mm टर्बाइंस। ए टर्बाइन मिक्सर इज मैकेनिकल डिवाइस दैट आर द यूज्ड इन द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। तो द टर्बाइन मिक्सर वर्क्स मैन्युअली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेयरिंग एक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ ब्लेड अटैच टू द सर्कुलर डिस्क। द ब्लेड्स यूज्ड इन दीज मिक्सर ऑफ वेरियस टाइप फ्लैट डिस्क टाइप फ्लैट ब्लेड्स इंक्लूड ब्लेड्स कर्व्ड ब्लेड्स एंड बहुत सारे मतलब ब्लेड्स होते हैं। ठीक है, जो आगे देखेंगे। द डायमीटर ऑफ द टर्बाइन वेरियस फ्रॉम 32% ऑफ द डायमीटर ऑफ द वेसल एज ए कम्पेयर टू प्रोपेलर्स। और टर्बाइन्स रोटेट एट द लोअर स्पीड ट्राई मिक्सिंग द मिक्सिंग एक्शन इज अकॉम्प्लिश्ड बाय द टर्बाइन ब्लेड्स व्हेन टर्बाइन मिक्सर अप्लाइड द सफिशिएंटली हाई रोटेशनल स्पीड द रेडियल टेंजेंशियल फ्लो बिकम प्रोनाउंस्ड विद इन द फॉर्मेशन ऑफ वर्टेक्स। द रेडियल फ्लो ऑफ द इंपेलर इंपिंग्स ऑन वेसल वॉल्स वेयर इज स्प्लिट इनटू द ट्विस्टिंग। गाइस, ये थोड़ा ये डिस्क टर्बाइन थोड़ा गलत बन गया था तो मैंने फिर काटा भी नहीं। तो प्लीज़ आप यार एक बार गूगल से देख लेना। ठीक है, और ये स्टेट ब्लेड टर्बाइंस होते हैं और ये पिच्ड ब्लेड टर्बाइन करके होता है एक, ये कर्व टर्बाइन ब्लेड। शायद आपने कर्व लेन टर्बाइन तो आपने कहीं देखा भी होगा और पिच्ड ब्लेड टर्बाइन भी देखा होगा। कहाँ पर देखा है मुझे आप कमेंट करके बताओगे। यूजेस के बारे में बात करें तो इसके यूजेस क्या है। तो ए टर्बाइन मिक्सर सुटेबल फॉर द विक्सर विस्कस फ्लो टर्बाइन और ऑल्सो यूज फॉर द थिन पेस्ट एंड द इमल्सिफिकेशन। और बहुत मतलब थिन पेस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता था। टर्बाइन कैन बी यूज टू द हैंडल सलरीज विद इन 60% सॉलिड। टर्बाइंस आर मिक्स मैनली यूज फॉर द सेमी सॉलिड मटेरियल्स। सेमी सॉलिड मटेरियल्स को यूज किया जाता बनाने में। एडवांटेज की बात है इट इज ग्रेटर शेयरिंग प्रोपेलर्स और एक टाइप से होते हैं पैडल्स, पैडल भी होते हैं इसमें, प्रोपेलर्स में आता है, टर्बाइंस पैडल्स इसी में आता है। ठीक है, तो ये शाफ्ट भी एक पैडल जैसी शेप होती है, वो भी बस वही काम करता है कि जैसे विस्कोसिटी वगैरह में इसमें काम करता है इसकी, जो मतलब जिसके मेटल्स की नेचुरल विस्कोसिटी जैसी होती है तो वो इसमें काम कराते हैं। ये मतलब जो इसके ब्लेड्स होते हैं वो कुछ पैडल शेप जैसे होते हैं और इसमें क्या पैडल जितना 50 to 80% इंटर डायमीटर ऑफ वेसल। ठीक है, एडवांटेज का वर्टेक्स वर्टेक्स फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। इट हैज़ लोअर स्पीड मिक्सिंग एफिशिएंसी बेटर नो डेड स्पॉट एंड डिपॉजिट्स सॉलिड। डिसएडवांटेज के बाद बात कर लेते हैं। इन केस ऑफ सस्पेंशन मिक्सिंग ऑफ पुअर देयरफॉर बैफल्ड टैंक आर रिक्वायर्ड। अब ये लास्ट सिल्वर सन इमल्सिफायर, ये काफ़ी मोस्ट है, एग्जाम में काफ़ी टाइम पूछा भी गया है और शायद अब की बार भी आ जाए। तो देख लेते हैं क्या होता है। टू इमिशल लिक्विड आर मिक्स टू प्रिपेयर ऑन इमल्सन इज वाइडली यूज इन फार्मेसी। द इक्विपमेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन इज नॉन एज इमल्सिफायर। यदि इमल्सिफायर को बात करें कि इमल्सिफायर क्या होता है कि मतलब तो इमिशल लिक्विड्स को प्रिपेयर करने के लिए इमल्सन को वाइडली हम यूज करते हैं वाइडली फार्मेसी में। और इक्विपमेंट जहाँ पर हम इमल्सन को प्रिपरेशन प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं इमल्सिफायर। प्रिंसिपल क्या होता है। द सिल्वरसन होमोजेनियस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट इज द लार्ज ग्लोबुल्स इन ए कोर्स इमल्सन आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर ग्लोबुल बाय इंटेंस शेयरिंग फोर्स एंड टर्बुलेंस बाय हाई स्पीड रोटर्स। तो ये शेयरिंग पे हाई स्पीड रोटर्स पे डिपेंड करता है, मतलब रोटेशन वाले पे शेयरिंग मिक्सिंग वही सब। कंस्ट्रक्शन क्या होती है कि एक लंबा सा एक इसमें एक हॉरिजॉन्टल टाइप से मान लो मतलब सिलेंड्रिकल शेप होती है। इट कंसिस्ट ऑफ इमल्सिफायर हेड। ठीक है, जहाँ द इमल्सिफायर हेड द कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्बाइन ब्लेड। द ब्लेड्स आर सराउंडेड बाय द मैस विच इज एनक्लोज्ड बाय द कवर हैविंग परफोरेशंस दैट द ब्लेड्स आर रोटेटेड बाय द यूजिंग द इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड एट द टॉप। देयर इज आल्सो वन शाफ्ट हूज वन एंड इज कनेक्टेड टू मोटर एंड अदर एंड इज कनेक्टेड टू हेड। देखो इसमें एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसकी मोटर लगी होती है और यहाँ पे इमल्सिफाइंग हेड होता है। और यहाँ पे देखना जब इसका आप इसको गूगल से चेक करोगे यहाँ से, तो इसमें ना
यहाँ पे एक सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है इसकी, ठीक है। तो जो सॉफ्ट है तो इसमें एक आप जाली लगी होगी, छलनी मतलब, और यहाँ पे ब्लेड्स लगे होंगे। तो इसमें क्या होता है, जब हमारा जो मेटेरियल्स होता है यहाँ पे होता है, जब ये मोटर घूमती है, यहाँ पे मोटर टर्न करती है, सॉफ्ट टर्न हुई तो यहाँ पे क्या होगा, जब यहाँ पे जब इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे छलनी और ब्लेड्स लगे हुए। तो जैसे तो क्या होता है कि इसमें ऊपर को जाता है ये, मतलब जो भी हमारा मेटेरियल होता है ऊपर की साइड को भगता है, यहाँ से इसको पुश करता है ऊपर की साइड को। जब ऊपर की साइड को पुश करेंगे तो यहाँ पे पहले एक जाली से जो हमारे पास छलनी होगी उससे क्रॉस होगा, और उसके बाद वो जो भी हमारा ब्लेड्स होंगे टर्बाइन्स वगैरह उस पर जाके वो टकराएगा, और टकराने के बाद वो उनसे मिक्स होगा। तो ऐसे ही प्रोसीजर चलता है, ऊपर नीचे चलता रहता है इस टाइप से, मतलब मोटर इसको ऊपर नीचे कराती रहती है। तो वही एक प्रोसीजर होता है। और इसके बाद वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग तो वैसे में बात कर ली पर, तो वो देख लेते हैं। एमल्सीफाई हेड इज डिपर इन टू द वेसल कंटेनिंग इमिशियल लिक्विड व्हेन द मोटर इज स्टार्टेड, जब मोटर स्टार्ट होगी साफ रोटेट होना स्टार्ट होगी, द लीड देयरफॉर द टर्बाइन ब्लेड आल्सो रोटेट, और जो टर्बाइन ब्लेड है वो रोटेट होना स्टार्ट हो गए द वेरी हाई स्पीड में, ठीक है। द लिक्विड्स जो आर सक्ड थ्रू द फाइन होल पे, ठीक है। तो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स एक्सपेल कंटेंट थ्रू द मैस एंड देन टू कवर एंड सब्जेक्ट देम टू मैकेनिकल शीयर, दिस इज फॉलोड बाय इंटेंस हाइड्रोलिक शीयर, द ऑयल इज रिड्यूस इन टू द ग्लोबुल्स क्विकली रिजल्टिंग इन ए होमोजीनियस यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, देन फाइन इमल्सिव इमर्ज थ्रो ओपनिंग ऑफ कवर्स, और जैसे कवर्स को ओपन कर लो और अपना मटेरियल हमें मिल जाएगा जब होमोजीनियस रिजल्ट आ जाता है। तो एज ए रिजल्ट बिगर सोल्यूबल रैपिडली ब्रेक इंटू स्मॉलर, डिसएडवांटेज की बात करें तो चांस ऑफ शॉकिंग ऑफ फोर्स ऑफ मैस। तो यूजेस की बात करें तो प्रोसेस ऑफ FSS इज गुड, लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, इट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्रीम ऑइंटमेंट फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन एंड इमल्शन ऑफ फाइन पार्टिकल साइज, सिल्वरशन मिक्सर होमोजेनाइजर्स आर फास्ट एंड इफिशियंट, दे आर यूज टू गेट ए फाइन ड्रॉपलेट और पार्टिकल साइज 2.2 to 5 micron। तो थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, और जो भी आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप प्लीज़, या आपको कोई भी कमेंट या आपको कोई भी डेफिनेशन समझ में नहीं आई हो, या आपको वो कुछ और ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, हम आपको वो एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जल्दी से जल्दी। सो थैंक यू।